बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सी एस सी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान गुला। और मैं हूं अबद इकराम गुला। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बात क्या करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि हम एक वी चैट ग्रुप बनाने वाले हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, वीडियोज़ में एक आध वीडियो में कहा था कि हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें सब स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि आप अपना कंटैक्ट दे दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम अपने मसाइल शेयर करना चाहते हैं, जो भी हैं। तो वो आप अब हमारा जो वी चैट का ग्रुप होगा उसमें करेंगे। एक ग्रुप है हमारा चल रहा है ऑलरेडी, वो एक दोस्त ने लास्ट टाइम बनाया था, उसने कहा है कि मैं आपके जो चैनल है उसके नाम से वी चैट ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो क्या बना लूँ। तो हमने कहा ठीक है, फ़ायदा होगा लड़कों का, तो वो हमने उसको उनको इजाज़त दे दी थी कि वो अभी चल रहा है। उसमें तकरीबन 480 एक बंदा है। उसमें मसला ये है, मसला क्या है उसमें, ये है कि आधे स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, आधे जो हैं वो अभी यही है, मतलब वो एप्लीकेंट है आप ही की तरह और मेरी तरह। तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता कि कुछ पहुँचे हुए हूँ कुछ ना पहुँचे हुए, तो मतलब वो गड़बड़ी सी हो जाती है, खिचड़ी सी बन जाती है वहाँ पे। वहाँ पे भी हम गाइड करते हैं गाय बगैर जैसे टाइम मिलता है, तो इसमें तो हम इंशाल्लाह खसूसी टाइम देंगे। तो इसके बनाने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लड़के हम मुझे मैसेज करते हैं कि इस तरीके से कि हमें जो है ना पैसे दे के, हमारी जो है हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारी स्कॉलरशिप लगवा दें या फिर आपका कोई एजेंट वगैरह। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपको कोई भी सी एस सी गाइड के नाम से अगर कहता है कि हम हैं सी एस सी गाइड वाले, ये हमारे बंदे, हम इनको हायर किया हुआ है, तो हमें पैसे दिए हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं। आप किसी को भी मत दें, हम सिर्फ फ्री फ्री गाइड करते हैं, फी सबील अल्लाह, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ों से बहुतात रहें, आप खुद से अपनी जान मारें। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं सी एस सी गाइड से हूँ, हमारे दो के अलावा कोई बंदा नहीं है, हम सिर्फ दो हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी पता नहीं कितनी कोई टीम होगी, कोई 5-6 बंदे होंगे, ये नेटवर्क पे एक मतलब इनका नेटवर्क होगा, ये स्कॉलरशिप का काम कर रहे होंगे इस पर, ऐसा जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ दो हैं। हमारे जो आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्त इनके जो चाइना में हैं वो इनको इनकी स्कॉलरशिप लगवा के देते होंगे, वो इनका सारा काम कराते होंगे, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। ये हमने खुद स्टार्ट किया था, खुद स्टार्ट लिया था, किसी ने हमें नहीं कहा था। हाँ, दोस्त जो हमारे हैं वो गाइड हमें बिल्कुल करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस तरह का ऐसा सच हमारे दोस्तों ने भी हमें आज तक नहीं कहा कि हम आपको स्कॉलरशिप, आप हमें स्टूडेंट्स दें, हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा के दे देंगे। हाँ, ऐसा दोस्तों ने कहा है कि हमारे टीचर जो हैं उनको एक इस डिपार्टमेंट में से या इस मेजर में से अगर कोई स्टूडेंट है हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, आप स्टूडेंट उसको बुलाएं। तो इस तरह जो होता है वो फिर हम शेयर भी करते हैं, ग्रुप जो है हमारा जो पहले वाला है, लेकिन अब इसमें शेयर करेंगे जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, इस तरह का कोई सीन हुआ तो इस तरह जो है फिर हम करते रहते हैं। ये फ्री है, कोई वो नहीं है। अभी हफ्ता 15-20 दिन पहले एक दोस्त ने कहा, कोई फिज़िक्स था या केमिस्ट्री, मुझे अब याद नहीं है, कोई मेजर था सही कि इस मेजर का, मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स था, इस मेजर का कोई अगर स्टूडेंट है तो वो मेरे प्रोफेसर को जो ज़रूरत है, अगर आप अगर कोई है तो हमें बता दें। तो वो मसला ये हुआ था कि वो जो प्रोफेसर को शायद नहीं पता था कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन ओवर हो गई है, इस वजह से स्टूडेंट जो था उसको भी शायद नहीं पता था। उसने पोस्ट दोस्त ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ज़रूरत है, मैंने कहा यार इस यूनिवर्सिटी के, वो आई थिंक कोई यूनिवर्सिटी थी, हाँ दोस्त था ख्वाजा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, तो वहाँ पर दोस्त ने कहा मुझे ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार इसकी तो डेडलाइन भी गुजर चुकी है, फिर कैसे स्टूडेंट्स। उसने कहा हाँ यार मैंने उससे पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे अब कह दिया। तो मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, अगर डेडलाइन पड़ी होती तो हम किसी को ग्रुप में या किसी अपने जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें भी कमेंट कर देते कि हमें हमारे एक दोस्त हैं उसके टीचर को प्रोफेसर को ज़रूरत है बंदा। तो इस फिर आपने बस मुहतात रहना है ऐसी चीज़ों से, ऐसी एक्टिविटी किसी के साथ, मतलब कि वो नहीं करना कि आप हमें स्कॉलरशिप लगवा के दें या इस तरीके। तो आप हमारे पास भी हमें काफ़ी सारे लड़कों ने कहा है मैं आपको इतने पैसे दूंगा, हमारी स्कॉलरशिप लगा लें। भाई एक चीज़ जो हमारे हाथ में है ही नहीं, मतलब कि हम स्कॉलरशिप लगवा के दे ही नहीं सकते हैं, ना ही हम ये काम करते हैं, हम उनको कैसे स्कॉलरशिप लगवा के दें। क्योंकि एक बंदे का अगर ज़मीर नहीं इजाज़त देता, हाँ अगर कोई जो फ्रॉड या कोई इस तरह का कोई होते हैं रूमर्स वगैरह जो भी होते हैं कोई झूठ वगैरह बोल के, तो वो सारी चीज़ें वो अलग बात है, उनको छोड़ें, तो हम से ये काम नहीं होता। जहाँ तक हमारा हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे, वो भी फ्री करेंगे। बाकी एज सच वो पैसे का कोई गेम नहीं है, वो जो हमारे नसीब में लिखा होगा, जो हम अपनी मेहनत से कमाएँगे वही हमारे लिए होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब मसला क्या, हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये इससे रिलेट करता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कहते भी हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं करते हैं जी, हमने कमेंट में जाके देखा है एक में
एक दोस्त पूछ रहा था कि हमें मुझे स्कॉलरशिप चाहिए इस यूनिवर्सिटी की, ये वो डेडलाइन वगैरह वो सारी चीज़ें बताओ। उसने क्या किया हुआ कि लिंक जो है हमारी वेबसाइट का जो है वहाँ पे कमेंट में दिया हुआ था, भाई ये है इसमें सारी डिटेल है, तो ये सारी चीज़ें मतलब उनको ट्रैक पे हमारे वो जो होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारा वो वेबसाइट वगैरह यूज़ ना करें, यूज़ करें लेकिन सही तरीके से करें। वो अब उसको इस हमारी वेबसाइट से ट्रैक पे ला के फिर पता नहीं वो उससे कितने पैसे चार्ज करता है, ये वो सारी चीज़ें। अब ग्रुप हमने बना दिया, इंशाल्लाह बन भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वो जो इसका उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर फिर आपने करना है स्कैन वी चैट। वी चैट का क्यू आर कोड, अगर वी चैट किसी का नहीं बन रहा तो वो फेसबुक के पेज पे हमें मैसेज कर दे, शायद जो हमसे हो सका वो करेंगे। फर्स्ट जिनके पास वी चैट है वो तो करें स्कैन, और उनको फिर एक ऐड किया जाएगा, रिक्वेस्ट सेंड करनी है पहले, ठीक वो है, आप क्यू आर उसको कोड स्कैन स्कैन करेंगे करेंगे रिक्वेस्ट जाएगी। या वी चैट आईडी भी हम दे देंगे। चलें वी चैट आईडी भी दे देंगे, क्यू आर कोड भी, जैसे ही वो स्कैन करेंगे वो होता है ऑप्शन वी चैट में, तो वो रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे सी एस गाइड ऑफिशियल के नेम से होगी, तो वो फिर ऐड कर देंगे हम ग्रुप में। ग्रुप में जैसे ही ऐड करेंगे ग्रुप में फिर ऐड इस तरीके से होगा, आपको वो लिंक भेजा जाएगा, जब वो हाँ ऐड करेंगे आपके पास लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करना है और ऐड हो जाएगा वो। ऐड हो जाएंगे। फिर वो जैसे होगा अपनी, फिर आपने क्या करना है, मेन चीज़ आपने करना ये है कि उसमें जो ग्रुप अलाइज एक होता है नेम, आपने नेम लिखना है प्लस मतलब हर ग्रुप के लिहाज से वी चैट में जो होता है हर ग्रुप के लिहाज से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आपकी जो ओरिजिनल आईडी पे जो नेम है, फॉर एग्जांपल आपका इमरान खान है, तो आप ग्रुप में जाके इमरान खान प्लस जो आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक या बायोफिजिक्स इस तरह का प्लस वो अलाइज जो होता है वो आप मेंशन करेंगे, ताकि पता चल जाए इस मेजर के स्टूडेंट्स इतने हैं, इंजीनियरिंग या सिविल है, मैकेनिकल है, वो तो भी अपने उसी नाम के तरह साथ मेंशन। सी एस केमिस्ट्री या इस तरीके से कोई भी अपना एलाइज के नाम, हाँ वो एलाइज हम वो आपको लिख बता भी देंगे। देंगे ग्रुप में जैसे ही आप ग्रुप पे पहुंचेंगे, ठीक है, वो आप चेंज कर लीजिएगा। होप सो ये मेरे ख्याल में अब तक की इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसे कहें हम, के लोगों के लिए मजीद अट्रैक्शन का ज़रिया, हम तक पहुंचने का ज़रिया ये होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।